जमीन पर बैठे इन दो लोगों की शक्ल पर मत जाइए, क्योंकि देखने में ये भले ही भोले लगें, लेकिन हैं बेहद शातिर। अगर शातिर न होते तो अब तक सैकड़ों लोगों को काम दिलाने के नाम पर ना ठगते। जी हाँ, पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। बकौल पुलिस, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ये बेरोजगारों से ठगी किया करते थे, और अब इस गैंग के दो शातिर को नॉर्थ दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का झांसा देने वाला एक गैंग नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक बस्ट किया है। कुल मिला के हमें दो लड़के इस पे हमने अरेस्ट किए हैं। तुषार कुमार एलियास ऋतिक, ये उत्तर प्रदेश के बरेली के आसपास के रहने वाले 20 साल के शख्स हैं, और एक मोहम्मद अकरम अली जो कि बरेली के ही उत्तर प्रदेश के हैं, 22 साल के हैं। आरोपियों की पहचान गैंग लीडर तुषार कुमार और मोहम्मद अकरम अली के रूप में हुई है। दोनों यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। पुलिस ने तुषार को उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर से 19 मई को और मोहम्मद अकरम को बरेली से 21 मई को पकड़ा था। बकौल पुलिस, तुषार ने प्ले स्टोर पर ऐप freelancer.com डाला हुआ था। इस ऐप का दावा किया जाता था कि यूके की कंपनी की ओर से वर्क फ्रॉम होम करवाया जा रहा है। ऐप पर कम से कम रुपए में काम प्राप्त करने की बोली लगवाई जाती थी। सबसे कम बोली लगाने वाले शख्स से कॉन्टेक्ट करके उसे अलग अलग तरीकों से रुपए ऐठे जाते थे। अब पुलिस से समझिए कि आखिर पुलिस इस ठग गिरोह तक पहुंची कैसे। कहानी ऐसे है कि हमारे पास MHA की साइबर क्राइम पोर्टल में एक कंप्लेंट आती है, बुराड़ी थाना है उसके एरिया की एक लेडी 23 साल की, उनको उन्होंने कंप्लेंट दी कि उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब पे एक ऐड देखी फ्रीलांसर डेटा कॉरपोरेशन की कि वो वर्क फ्रॉम होम में आपसे वर्क करवाएंगे और पैसा देंगे। उस पर बिडिंग होती है, बिडिंग के चलते ये लेडी वो बिड में जो विन किया इन्होंने, तो इनको उन्होंने एक असाइनमेंट दी। असाइनमेंट के चलते उन्होंने कहा कि ये ठीक है, और कुछ अलग अलग तरीके की फ़ी जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज, करते करते इन्होंने 12,000 रुपये उनसे चार्ज किया कि आगे वर्क ऑर्डर देने के नाम पर। लड़की ने जब इन्होंने 12,000 रुपया दिया, उसके बाद में इनको पता चल गया कि चीट हुआ है, क्योंकि वो बाद में इनसे कॉन्टैक्ट छूट गया इनका। पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी में इस्तेमाल सामान बरामद किया है, जिसमें ज्यादातर मोबाइल फोन हैं, एक लैपटॉप, 9 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 12 एक्टिवेटेड सिम कार्ड, 30 नॉन एक्टिवेटेड सिम, बायोमेट्रिक फिंगर डिवाइस, एक कार। पुलिस का मानना है कि गैंग में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी आरोपियों से पूछताछ के बाद संभव हो सकेगी, ताकि लोगों को ऐसे ठगों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।